नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस के खतरे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे इस समस्या के प्रति भी लोगों के प्रति कई सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ बीमारी के बारे में गलत सूचनाएं भी प्रसारित हो रही हैं, जिसको देखते हुए सागर के जागृत युवाओं के संगठन हम है इंसान, वही संगठन जो लगातार 5-6 महीने से सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम से जुड़ा हुआ है। हम हैं इंसान फाउंडेशन की तरफ से सागर शहर के मुख्य बस स्टैंड के पास नमस्ते सागर के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना वायरस को लेकर के फैली भ्रांतियां अफवाहों के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य जिले के मुख्य चिकित्सकों की सहायता से किया गया। इस अवसर पर कई चिकित्सकों के साथ ही साथ भारी संख्या में जन समुदाय और हम हैं इंसान समूह के सदस्य शामिल रहे। इस अवसर पर 108 से जुड़ी हुई समस्याओं को भी निराकरण करने का कार्य किया गया तथा 108 इमरजेंसी सेवा के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। संक्रामक बीमारियों के फैलने एवं उनके बचाव के संदर्भ में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें कि हम हैं इंसान टीम के द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर काफी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिससे शहरवासियों में कोरोना को लेकर भयावह माहौल है। अतः उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए कैंप लगाया जा रहा है। कोरोना एवं अन्य वायरस हमेशा गंदगी के कारण फैलते हैं, इसलिए इसके रोकथाम के लिए स्वच्छता जरूरी है। अतः टीम ने सभी शहरवासियों से निवेदन भी किया कि अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ बनाए रखें, जिससे शहर का हर रहवासी स्वच्छ रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर नीना गिडियन, डॉक्टर साधना मिश्रा, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर प्राची रंजीता राणा, डॉक्टर रूपेश साह, डॉक्टर नीलेश राजपूत, तबरेज दाद, आर के जड़िया, पंकज सोनी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर 108 सर्विस इंचार्ज तबरेज दाद ने 108 सर्विस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं महिला दिवस के शुभ अवसर पर टीम ने विशिष्ट अतिथि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीना गिडियन एवं डॉक्टर साधना मिश्रा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। टीम की महिला सदस्यों ने गीत के माध्यम से महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। और पूरे भारत और पूरे विश्व में एक डर है कोरोना वायरस को लेकर, और इसी वायरस से संबंधित और भी संक्रमण जो बीमारियां होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं डर होता है कि ये सही तरीके नहीं मालूम होते हैं और बस हम डरते रहते हैं इनसे और अनजान हैं। तो आज हमारे बीच डॉक्टर रूपेश साहू जी हैं और आर के जड़िया जी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से हैं। हमारे मीडिया से पंकज प्रजापति जी आ गए हैं और भी हमारे अन्य साथीगण हैं, जो आपको अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीके से 108 सर्विस के इंचार्ज तबरेज दास जी आ चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो ये अलग अलग माध्यम से हम आपको जागरूक करेंगे। तो इस कार्यक्रम को आप देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं और हमारे बीच डॉक्टर रूपेश साहू जी हैं। तो सबसे पहले मैं सर से आग्रह करूंगा कि जो भी जानकारी आप देना चाहें आज हमारे इन सब दोस्तों को, साथियों को, तो प्लीज सर। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हम है इंसान ऑर्गेनाइजेशन का कि एक सही समय पर जो वर्कशॉप या फिर जागरूकता अभियान जिसको कहना चाहिए उन्होंने चालू किया है। और इतना ज़रूरी टॉपिक है ये कि इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अफवाहें फैलने में देर नहीं लगती, जैसा आप सभी को ज्ञात होगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ कि भाई कोरोना वायरस आया कहाँ से, कैसे पता चला और कैसे ये एक ग्लोबल एपिडेमिक बन गया। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जो दी हुई रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर बात करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 31 दिसंबर 2019 को कुछ ऐसे निमोनिया के केसेस मिले, रिपोर्ट हुए वुहान प्रांत जो कि चाइना में है, वहाँ पे जो कि थोड़े से एटिपिकल थे। उसमें जब लोग ठीक नहीं हुए तो उसको इन्वेस्टिगेट किया गया कि क्या हुआ करके। तो चाइनीज अथॉरिटी जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये नया वायरस है। वैसे तो हम सभी को मालूम है कोरोना वायरस, वैसे आप सबको, आपको शायद नहीं मालूम होगा कोरोना वायरस एक पुराना, बहुत बहुत पुराना वायरस है। इसके विभिन्न प्रकार हमको पहले से ज्ञात है, जैसे सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये पहले दो कोरोना वायरस आ चुके हैं। ये जब चाइनीज अथॉरिटी ने देखा कि एक नए टाइप का कोरोना वायरस है, इसका जीनोटाइप पहले से नहीं मालूम है हमें, तो
थोड़ी सी दहशत पैदा हुई कि जो भी नई वायरस या फिर नई चीज़ें आती हैं तो उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होने में बहुत समय लगता है, और चूंकि नया रहता है तो हमें मालूम नहीं रहता कि कितना खतरनाक वायरस है, या तो इसकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा है या फिर फैलने की क्षमता ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा भय का माहौल रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़े चाइना में, तो उन्होंने बहुत पब्लिक अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स रहते हैं उसको लेना चालू किया और पूरी वुहान सिटी को ब्लॉक कर दिया, क्वारंटीन कर दिया, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं। क्वारंटीन का मतलब होता है कि अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि किसी को बीमारी एक्सपोजर हो गई है, लेकिन पूरा साथ पूरा सहयोग आपके लिए है और हर जो सावी थीम पे लेके आप काम करते हैं, हम लोग की तरफ से हेलो, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये कोरोना वायरस के ऊपर बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, आज के पेपर में मैंने पढ़ा है, शायद आप लोगों को भी पता होगा, ये जो चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है उसमें उन्होंने लिखा है कि इस महामारी से लड़ने की ताकत महिलाओं में ज़्यादा है, तो उन्होंने बाकायदा प्रूव किया है इसको। आज क्योंकि महिला दिवस है इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो महिलाओं में जो बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहती है, उन्होंने एक स्टडी में देखा है कि जो मृत्यु दर है पुरुषों में, ये चाइना में हुआ है जो वायरस वुहान में, उसमें स्टडी भी चालू हो गई है, तो उसमें उन्होंने देखा कि 2.8% पुरुषों में मृत्यु दर थी और महिलाओं में 1.7, तो ये प्रतिरोधक क्षमता महिलाओं में आई कहाँ से, एक तो महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, फिर एक जेनेटिक लेवल पे भी XX जीन्स होता है, पुरुषों में X और Y जीन होता है, तो ये जो एक XX जीन है उसमें से वो बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है, तीसरा महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सजग है ज़्यादा, और चौथी बात उन्होंने देखा कि महिलाओं में नशे की आदत नहीं है, कम है, वो चाइना की स्टडी में बताया गया। पर मुझे लगता है कि यदि हम थोड़ा सजग रहेंगे तो पुरुषों को भी ये सब खतरे नहीं रहेंगे, जैसा अभी ये पैम्फलेट्स में भी बताया गया, आपको पहले भी वक्ताओं ने बताया कि क्या क्या सावधानियाँ रहती हैं। मैं उसमें एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि ये जो है एयरबॉर्न डिसीज़ नहीं है, जो कोरोना वायरस है ये खांसने छींकने से डेफिनेटली स्प्रेड होगा बट डायरेक्ट आपके अंदर नहीं जा सकता जब तक कि जिस सरफेस पे वो जाके बैठ जाता है, जैसे कोई भी बताया जा रहा है कि स्टील का हैंडल, कोई भी मेटल का हैंडल हो उसको छूने के बाद सैनिटाइजर लगाए, तो ये उस सरफेस पे, उस फर्नीचर पे, उस मेटल के धातु पे जाके बैठ जाता है और 12 घंटे तक ये जिंदा रहता है, 12 आवर्स, और कपड़ों पे यदि ये जाएगा, यदि लॉज हो जाएगा तो उसमें करीब करीब 9 घंटे ये जिंदा रहता है, तो काफ़ी इसका जो है लंबा समय है जिंदा रहने का, तो उस बीच यदि हम उस मेटल सरफेस को या जिसको भी छुएं और उसके बाद अपना आँख या नाक या मुंह। शुभम जी, आज के कैंप के बारे में बताएं आप। आज हमने कोरोना और अन्य संक्रमण जो भी बीमारियां होती हैं उसको जागरूक करने के लिए आज कैंप का आयोजन किया है, और आज के कैंप हमारे इस आयोजन में अपने सागर की जो विशेषज्ञ रही हैं मैडम, वो सारे लोग शामिल हुए हैं और उन्होंने पूरी सागर की आम जनता जो भी लोग यहाँ से निकले हैं, करीब 300 से 400 लोगों को ये अहम जो आज जानकारी, बहुत ज़रूरी जानकारी थी कोरोना वायरस को लेकर, जो एक भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है लोगों के मन में, उसको दूर किया है और ये बहुत ही सफल आयोजन रहा है, तो जो भी इस आयोजन में आज शामिल हुए हैं डॉक्टर्स, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को